स्मोकिंग किल्स, सो डज विक्रम राठौर एट द बॉक्स ऑफिस। भाई साहब, जवान का जो सेलिब्रेशन चल रहा है, जवान की पूरी टीम का जो सेलिब्रेशन चल रहा है इस टाइम, मतलब हेटर्स की ये ऐसी कह कह के ले रहे हैं। अभी दो दिन पहले निकाला था कि बाप ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जब जवान का पोस्टर रिलीज किया था, जब पूरी दुनिया से कितना कलेक्शन किया है मूवी ने उस टाइम पर, मतलब साइलेंटली बस हेटर के पिछवाड़े में आग लगाते हुए आगे निकलते जा रहे हैं। इस टाइम में बताऊँ तो हेटर्स की हालत वैसी है कि पिछवाड़ा जो है ना गर्म तवे पर रखा है, लेकिन वो शो नहीं कर रहे कि उनकी जल रही है। बाय गॉड, ऑसम संडे रहा डे 11 में, जो ताबड़तोड़ कमाई करी है मूवी ने, उसकी ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से पोस्टर सहित सेलिब्रेशन की रिपोर्ट आ चुकी है, डेटा आ चुका है कि पूरी दुनिया से कितनी कमाई इस मूवी ने कर लिया है। तो कल पूरे दिन डे 11 में जो तबाही मचाई है मूवी ने, सुबह से लेकर शाम तक, उसके बाद रात में ऑसम भाई साहब, अमेजिंग ग्रोथ, बिल्कुल पूरी दुनिया से ऐसी कमाई हमने सोची भी नहीं थी और जबरदस्त आंकड़ा आया है बिल्कुल। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, ऑफिशियली 11 दिन कंप्लीट कर लिए हैं मूवी ने, कल डे 11 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की पूरी फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें हिंदी से कल पूरे दिन में मूवी ने कमाई करी है 34.26 करोड़, राउंड फिगर में 34 करोड़ ही मान के चलो, और अर्ली एस्टिमेट की प्रिडिक्शन मैंने कितनी बताई थी, लगभग 32 करोड़, तो उससे 2 करोड़ ज़्यादा आया, और जब उम्मीद से ज़्यादा आता है तो बहुत ही मजा आता है। बाय गॉड, तो 34.26 करोड़ का ओवरऑल कलेक्शन किया है सिर्फ हिंदी से, और तमिल और तेलुगु से कितना आया, 3 करोड़। लेकिन इसके साथ मैं बताऊं, पहले 11 दिन में सिर्फ हिंदी से मूवी ने कितनी कमाई कर ली है अभी तक सिर्फ हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस से, और इसका पोस्टर भी जबरदस्त रिवील किया है मेकर्स ने, जिसमें लिखा है कि स्मोकिंग किल्स, सो डज विक्रम राठौर एट द बॉक्स ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, 430 करोड़ का कलेक्शन किया है, 430.44 करोड़, राउंड फिगर में 430 करोड़ मान के चलो, पहले 11 दिन में सिर्फ हिंदी से कमाई करी है। तो कल फुल डे नेट इंडियन कलेक्शन कितना करा, तीनों लैंग्वेज को मिलाकर 37.26 करोड़ का कलेक्शन किया था। और 10वें दिन तक सैटरडे में कितनी कमाई कर ली थी मूवी ने, हिंदी से सिर्फ 396 करोड़, और आज 11वें दिन में, पहले 11वें दिन में कितनी कमाई कर ली मूवी ने, 430 करोड़। भाई अमेजिंग, हिंदी से मतलब जबरदस्त रिकॉर्ड कर रही है। गदर 2 का रिकॉर्ड भी ये मुझे लग रहा है कि आने वाले संडे में बीट डाउन कर देगी, जिसने 500 करोड़ कवर किए थे 24 दिन में, और पठान ने कवर करे थे 26 दिन में। तो गदर 2 ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ा था, अब SR के दोबारा से बदला लेंगे भैया जवान से, और ये अगले संडे तक 500 करोड़ कंप्लीट कर लेगी सिर्फ हिंदी से मूवी जवान। तो तमिल तेलुगु से अभी पहले 11 दिन में कितनी कलेक्शन हो चुकी है, 49.55 करोड़, यानी 50 करोड़ ही मान के चलो, अमेजिंग। साउथ से किसी भी बॉलीवुड मूवी ने इतनी बड़ी ह्यूज कलेक्शन कभी नहीं करी है लाइफ टाइम में, 50 करोड़ अराउंड में हमें 10 से 12 करोड़ या 15 करोड़ ही देखने को मिलते थे किसी भी बॉलीवुड मूवी के लिए। तो टोटल नेट कलेक्शन तीनों लैंग्वेज का होता है पहले 11 दिन में कितना, 480 करोड़, ह्यूज ह्यूज कलेक्शन। आने वाले दो दिन में ही ये आंकड़ा 500 करोड़ को टच करते नजर आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आज मंडे में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और कल ट्यूसडे में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अभी आज 12वें दिन की जब रिपोर्ट आ जाएगी, फाइनल अर्ली एस्टिमेट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की प्रिडिक्शनल रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। तो हो सकता है मे बी आज क्या कहते हैं 495 करोड़ ये टच कर जाए, और कल 500 करोड़ ये टच कर ही जाएगी, तो वो आगे वाले वाली वीडियो में एक डिटेल टू डिटेल बात कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट संडे तक मैं कह रहा हूँ कि हिंदी से 500 करोड़ ये टच कर ही लेगी, और पूरी दुनिया से पहले 11 दिन में मूवी कितना कमा चुकी है अभी तक, 858.68 करोड़, मतलब 859 करोड़ ही मान के चलो, का ह्यूज ह्यूज कलेक्शन ये अभी तक कर चुकी है मूवी, पहले 11 ही दिन में 859 करोड़ का आंकड़ा। भाई साहब इमेजिन कर सकते हो कि बॉलीवुड की दो तीन अगर मूवी मिल जाए, दो तीन ब्रह्मास्त्र, तीन ब्रह्मास्त्र मैं कहूँगा, तीन ब्रह्मास्त्र मूवी का कलेक्शन के बराबर इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया है, तबाही मचा दी। बाय गॉड, तबाही मचा दी जवान ने। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है कि 1000 करोड़ ये कब कंप्लीट कर लेगी, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस संडे तक 1000 करोड़ कंप्लीट हो जाएगा पूरी दुनिया से। आप लोगों का क्या कहना है, सिर्फ 1000 करोड़ टच करेगी या 1100 करोड़ के आंकड़े को भी टच कर सकती है, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।